पानी पानी हो गया, निकलने आने जाने की बहुत परेशानी हो रही है। मैं बाहर खड़ी हूँ पानी के अंदर ही, क्या करूँ मैं, कैसे जाऊँ? राजधानी की ये हालत है तो फिर बाकी गलियों की क्या हालत होगी? ये तो मेन रोड है, भांगड़ में लेके जाओ, इधर में एंट्री में लेके जाओ, फिर कैसे लेके जाए? बच्चा गिर जाए तो ऐसे ही मर जाएगा बच्चा। तो ये थोड़ी फैसिलिटीज करनी चाहिए गवर्नमेंट को यहाँ पर, ये जो रोड है ना यहाँ पानी नहीं बनना चाहिए। तो आगे चल के क्या होगा, फिर ऐसा ही रहेगा माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के श्री राजस्थान, मैं हूं आपके साथ सुरभि। राजस्थान में मानसून ने जो है वो दस्तक दे दी है। सुबह से लगातार दो तीन घंटे से जो बारिश है, बारिश का दौर आप लगातार देख सकते हैं कि जारी है। और अब मेरे पीछे आप ट्रैफिक देखिए, ट्रैफिक पूरी तरह से लोग स्ट्रक है, लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। और ये हाल है राजस्थान के जेके लॉन हॉस्पिटल के बाहर का, जहाँ इधर की तरफ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि इधर की तरफ दिखाइए, जयपुर के अस्पताल के बाहर का जो व्यू है आप देख सकते हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है, किस तरह की परेशानियाँ वो झेल रहे हैं। आंटी आप कहाँ से? मैं बांसपतनपुरा से हूँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, पहले मानसून की बारिश ने दस्तक दे दी है, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की और बारिश के हाल को देखते हुए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी बहुत हो रही है कि पानी पानी हो गया, निकलने आने जाने की बहुत परेशानी हो रही है। और मैं सुबह से ही एक टाइम हो गया, मेरे को घर जाने की वो नहीं हो पा रही, कैसे जाऊँ मैं घर पर। और अब मैंने कहा चलो बारिश रुकी है, थोड़ा जाने की सोची तो फिर भी बाहर पानी पानी हो रहा है। मैं बाहर खड़ी हूँ पानी के अंदर ही, क्या करूँ मैं, कैसे जाऊँ? तो देख सकते हैं आप, आम जन को निकलने में काफ़ी परेशानी हो रखी है, सारे लोग वेट कर रहे हैं कि ये उस पार जा सके। और उस पार जो है पानी पूरा भरा हुआ है, लगातार बारिश से ये हाल देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है, और लोगों से जान लेते हैं। सर आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है, राजधानी की ये हालत है तो फिर बाकी गलियों की क्या हालत होगी? ये तो मेन रोड है, अभी यहाँ से वहाँ दूसरी तरफ जाना है तो किसी बच्चे को साथ में लेके कैसे जाएगा कोई? अभी अगर कोई पेशेंट है तो 2 बजे तो पूरा बंद हो जाएगा हॉस्पिटल, अभी फिर कल पे पड़ जाएगा गया 24 घंटा। अभी ये छोटा जैकलोन है, बच्चे की जात बोल रहे हैं भांगड़ में लेके जाओ, इधर में एंट्री में लेके जाओ, फिर कैसे लेके जाए? बच्चा गिर जाए तो ऐसे ही मर जाएगा बच्चा। तो हालात ये शुरुआत में ही हालात है तो बाद में क्या होगा? अभी तो शुरुआत दस्तक दिया है राजस्थान में मानसून ने, तो आगे चल के क्या होगा, फिर ऐसा ही रहेगा माहौल। तो लोगों का कहना है कि आमजन जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, लोग बाहर बाहर से, ये जेके लॉन जो हॉस्पिटल है वो यहाँ पे लोग सिर्फ राजस्थान के, बाहर से भी आते हैं, और लोगों को यहाँ पे काफी परेशानी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक जन का कहना है कि उनके बच्चों को जो है ले जाने में दिक्कतें हो रही है। और लोगों से जानेंगे कि क्या कहना है उन लोगों का। सर आप क्या कहेंगे बारिश को देखते हुए? परेशानी तो होगी ना जब पानी आएगा तो। आप जयपुर से हैं? जयपुर से ही, लोकनिया से। आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, तो आप क्या कहेंगे उसको लेके, मानसून ने दस्तक दी है, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, तो आम लोगों को परेशानी भी हो रही है? बस ये थोड़ी फैसिलिटीज करनी चाहिए गवर्नमेंट को यहाँ पर, ये जो रोड है ना यहाँ पानी नहीं बनना चाहिए, जैसे बारिश होगी वैसे निकल जाए, इस तरीके से कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। बताइए कोई दिक्कत हो? हमारा भी यही कहना है, पानी निकालना चाहिए, 2 घंटे बारिश ठंडे के बाद भी पानी भरा रहता है ऐसे कैसे। सरकार से कोई डिमांड इस साल चुनाव होने जा रहे हैं? डिमांड तो क्या है, सरकार ही ध्यान दे, पानी निकाले, पब्लिक परेशान रहती है। अभी ऐसे में जाके हूँ, जाँच नहीं हुआ, जाँच नहीं हो पा रही। आपका कोई एडमिट है? बच्चा एडमिट है मेरा। जयपुर का मेन जो रास्ता है, पूरे अस्पतालों की यह कतार है, मेरे इसके इस साइड में SMS अस्पताल है। जन किस तरह से परेशान हैं, पानी जो पूरी तरीके से है वो अस्पताल के बाहर भरा हुआ है। यहाँ ये अस्पताल वाली जो पूरी रोड है, यहाँ पे जेके लॉन अस्पताल है, इसके बाद यहाँ पे SMS अस्पताल है। आम जन जो जयपुर के बाहर से आए हैं उनको अच्छी खासी परेशानी देखने को मिल रही है। इनकी लोगों की प्रशासन से डिमांड है कि पानी के निकासी के लिए कुछ किया जा सके। मानसून की पहली बारिश है और लगातार सुबह से 4 घंटे तक बारिश हुई है, और आप देख सकते हैं उसके लिए ये उसके उस बारिश के कारण ये हालात हो गए हैं। तो मैं सुरभि पंजाब केसरी से हमारे सहयोगी विक्रम सिंह भाटी के साथ, देखते रहिए पंजाब केसरी।